हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेकपरी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप कैसे एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वो भी 10 मिनट्स के अंदर। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एक वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक डोमेन होना चाहिए एंड एक होस्टिंग होना चाहिए। सो डोमेन एंड होस्टिंग मैंने नेमचीट से खरीदा है, तो यहां से आप आके खरीद सकते हो या दूसरा कोई अच्छा डोमेन प्रोवाइडर या होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ आप जा सकते हो। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा जहां से आप चीप प्राइस में डोमेन एंड होस्टिंग खरीद सकते हो। सो यहाँ पे आके आपको डोमेन सर्च कर लेना है। पहले तो हम एक डोमेन सर्च कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि domain.com डोमेन यहाँ पे अभी सेल चल रहा है, इसलिए अब 528 रुपीज में एक .com डोमेन अब एक साल के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। सो यहाँ से बहुत सारा एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, कोई भी एक्सटेंशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने .com डोमेन को एड टू कार्ट करते हैं। ओके, एड टू कार्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को चाहिए क्या? इसके बाद हम लोगों को चाहिए एक होस्टिंग, वेब होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग एक ले लेते हैं। सो यहाँ पे शेयर होस्टिंग में तीन ठो प्लान है, एक स्टीलर, सेकेंड है स्टीलर प्लस एंड स्टीलर बिजनेस। तीन ठो प्लान में से आप किसी एक प्लान को चूज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट प्लान को चूज करिए। सो यहाँ पे आप तीन ठो वेबसाइट ऐड कर सकते हो एक ही शेयर होस्टिंग के साथ। सेकेंड स्टीलर प्लस एंड स्टीलर बिजनेस प्लान के साथ अनलिमिटेड वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो सेकेंड एंड थर्ड प्लान के साथ। सो आपका बजट के अनुसार आप चूज कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूंगा स्टीलर को ही चूज करें, क्योंकि इसका रिन्यूअल प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है और आप यहाँ पे 50% आपको ऑफ भी मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1307 रुपीज। सो यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग ऐड हो गया, आप ऐड टू कट करेंगे। ओके, ऐड टू कट करने के बाद यहाँ पे मतलब टोटल प्राइस शो होगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे आ गया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। नेमचीट से अगर डोमेन खरीदते हो तो यहाँ पे विज प्रोटेक्शन फ्री में मिलता है। तो अब कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे के साइन इन करना है, अदरवाइज आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए, मेरा तो पहले से ही नेमचीट में अकाउंट है तो लॉगिन हो लेते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन को चूज करके पेमेंट कर देना है। ओके, डोमेन नेम एंड होस्टिंग खरीदने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे। ओके, मैंने डैशबोर्ड में एंटर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tfushort.club ये वाला डोमेन नेम मैंने खरीदा है, इसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल खरीदने के बाद मैनेज पे जाएंगे इस वेबसाइट को। सो मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे नेमचीप बेसिक DNS है, इसको हम लोग करेंगे नेमचीप वेब होस्टिंग। अगर दूसरा कोई भी साइट से अगर आप होस्टिंग लिए हैं तो कस्टम DNS करना पड़ेगा और वहाँ पे DNS ऐड करना पड़ेगा। अब सो मैंने नेमचीप से होस्टिंग लिए हैं तो नेमचीप वेब होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे। सो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, नेमचीप वेब होस्टिंग DNS इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ओके, अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली सी पैनल पे जाएंगे। सो मेरा सी पैनल ओपन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। आपका जो
सी पैनल है, अगर नेम चिप से खरीदे हैं तो सेम यही सी पैनल आपको मिलेगा। अगर दूसरे किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से सी खरीदे हैं होस्टिंग को, तो आपको अलग सी पैनल मिल सकता है। उसमें आपको जाना है सॉफ्टाकुलस एप्स इंस्टॉलर। सो यहां पे क्लिक करेंगे। सो इसमें आने के बाद हम लोग यहां पे चूज कर लेंगे वर्डप्रेस को, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे दिखाएगा कि चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल। सो हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस का, तो उसको चूज कर लिया। यहां पे आपका वेबसाइट शो होगा। सो वेबसाइट जो है, हमने वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया। इसमें अगर HTTPS प्रोटोकॉल इनेबल है तो हम लोग यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल को रखेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, HTTP प्रोटोकॉल को रखेंगे। सो अभी HTTP प्रोटोकॉल को रखते हैं क्योंकि इसमें इंस्टॉल नहीं है, HTTPS प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है, इसलिए हम HTTP प्रोटोकॉल को रखे हैं। सो इस वेबसाइट का नाम देना है, वेबसाइट का नेम दे दिया। सो यहाँ पे हम लोग साइट डिस्क्रिप्शन दे देंगे। साइट डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे एडमिन अकाउंट को। सो यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडमिन पासवर्ड डालेंगे। सो एडमिन पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, हम लोग इसको कॉपी करके हम लोग अपने पास रख लेंगे एडमिन पासवर्ड को। सो एडमिन पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे हम लोग एडमिन ईमेल आईडी पे हम लोग जो भी ईमेल आईडी कन्वीनियंट है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। सो ये वाला ईमेल आईडी कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो ये वाला ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ से थीम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी थीम, या बाद में भी हम लोग थीम्स को अपलोड कर सकते हैं, तो अभी थीम सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो इंस्टॉल पे क्लिक करने से वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट हो गया ऑलरेडी। सो यहाँ पे दो लिंक मिलेगा, एक है वेबसाइट का लिंक एंड एक है एडमिन पैनल का लिंक। सो हम लोग पहले तो वेबसाइट को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड लिंक से एडमिन पैनल को देख लेंगे। सो वेबसाइट कुछ इस तरीके का है और अभी अभी क्रिएट हो चुका है वेबसाइट। अब हम लोग एडमिन पैनल को ओपन करेंगे, जिसको हम लोग वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बोलते हैं। सो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का हर एक टूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। वर्डप्रेस को मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड बहुत ही जरूरी है, हर एक टूल्स को समझना जरूरी है। और यहाँ पे सेटिंग्स में भी कुछ चेंजेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।